युवक लड़के जो आजकल एक सामान्य सी परिस्थिति को लेकर चिंता में है, तो उनको इस परिस्थिति से बाहर निकलना ज़रूरी है। बाकी जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम है। तो मैं आज आपको नपुंसक योग के बारे में समझाऊंगा, ये योग कैसे बनता है और इससे टेंशन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। आज का ये जो समय है वो इंटरनेट का समय है, तो सबके हाथ में मोबाइल होता है, सबके पास इंटरनेट होता है, तो वो बहुत सी जानकारी कम उम्र में ही वो पा लेते हैं। मित्रों और दोस्त भी उनके ऐसे होते हैं जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं और उनको गलत संगति में भी वो डालते हैं। अब मैं जो योग आपको बताने जा रहा हूँ वो योग अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब मैं जो योग आपको बताने जा रहा हूँ वो आप अपनी जन्म कुंडली से मिलाइए और देखिए कि क्या ये योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु हो और कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो ये नपुंसकता ला सकता है। सप्तम भाव में बुध हो और उसके ऊपर राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो सप्तम भाव में भी बुध के होने से और लग्न के राहु और शनि, लग्न के राहु और शनि की दृष्टि बुध पर पड़ रही हो तो ये भी नपुंसकता ला सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही हो, साथ में बुध भी कमजोर हो और साथ में एक चीज़ और देखें कि उनकी डिग्री कितनी है, डिग्री वाइज भी अगर कमजोर है तो ये भी कहीं ना कहीं नपुंसकता ला सकता है। बुध और शनि अष्टम भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव मतलब ये जो रोग का भाव होता है, अगर अष्टम भाव में बुध और शनि बैठ जाए तो ये भी कहीं ना कहीं नपुंसकता ला सकता है। चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जाए, शनि से पीड़ित हो जाए, लेकिन कोई एक ग्रह से पीड़ित हो ऐसा नहीं, दोनों से पीड़ित होना चाहिए तो ये चीज़ भी है आपको नपुंसकता ला सकती है। वृश्चिक और कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है और उनके अष्टम भाव में केतु है और इस केतु पर कहीं ना कहीं से गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है। फिर से सुनिए कि वृश्चिक और कुंभ लग्न की कुंडली है और अष्टम भाव में केतु है, कहीं से भी गुरु की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है। गुरु की दृष्टि उस पर पड़ेगी तो ये शुभ होगा, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ये भी कहीं ना कहीं नपुंसकता ला सकता है। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में इनमें से कोई एक योग बन रहा है और अभी जो भागम भाग दौड़दम वाली ये जो लाइफ है, टेंशन वाली जो लाइफ है, जीते हैं या नहीं, बस जीते जा रहे हैं बस। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि सभी टेंशन में घूम रहे हैं, टेंशन प्रेशर है इसमें जो इंसान जी रहा है, तो सीधी सी बात है विकृति इससे उत्पन्न होगी। अब एक बात और नोट कर लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अगर गलत स्थान में पड़ा हो, अस्त हो गया हो, मृत स्थान में हो और साथ में शनि राहु या केतु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही हो और साथ में सूर्य के साथ में बैठा हो या फिर मंगल के साथ में बैठा हो तो कहीं ना कहीं कभी भी ये चीज़ आपके अंदर भी आ सकती है। देर सवेर कभी ना कभी ये परिस्थिति आपके जीवन में भी आ सकती है, अभी नहीं तो बाद में भी परिस्थिति आपके जीवन में भी आ सकती है। बुध भी कहीं आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है तो आपकी जीवन में भी कहीं ना कहीं ये परिस्थिति आ सकती है, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखिए हमारे जो महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा था कि इंसान बंद कमरे के अंदर भगवद गीता पढ़े उससे अच्छा है कि वो बाहर जाके ग्राउंड में फुटबॉल खेले, मतलब एकाकी जीवन ना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई भी योग बन रहा है या इसके पास का भी कोई योग बन रहा है तो आपको सबसे पहले टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो आपको पहले तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये रोग नहीं है और ये रोग बनने वाला भी नहीं है अगर आप इसको रोग ना बनाए तो। अब देखिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो छुप छुपा कर जाएंगे और वो डॉक्टर आपसे और कुछ नहीं बस पैसे आपके ले लेगा और जो रोग ऑलरेडी आपके अंदर है नहीं वो रोग को तो छोड़िए, लेकिन वो आपको मानसिक रोगी ज़रूर बना देगा। तो मानसिक रोगी बनने से बचना है तो सबसे पहले आपको किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो फिर क्या करें, तो सबसे पहले अकेला रहना छोड़ दीजिए, एकाकी जीवन आप ना जिए।
अब जहाँ अब जिस घर में रहते हैं, जो जो कमरे में आप रहते हैं, उस घर के अंदर एक बुद्ध की प्रतिमा लाकर विराजमान कर दीजिए। जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठते हैं, बुक्स है उसके ऊपर बुद्ध की प्रतिमा रख दीजिए। घर के चारों तरफ बस हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए। ये सब वो उपाय है जिससे मैं आपके दिमाग को कंट्रोल करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप समस्या में नहीं है, समस्या में आप हैं नहीं, लेकिन आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब यहाँ पर आप यूट्यूब में या इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप दूसरों को भी पूछ रहे होंगे या फिर दवाई भी लेते होंगे। हो सकता है कि इन दवाइयों से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, हो सकता है आपको दवाई करानी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप अपनी पहले की जो लाइफ है आप अपनी स्टेबल कर लीजिए, और फिर बाद में जब ज़रूर होगा तब दवाई करेंगे। अभी मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया कि सबका इलाज है। तो सबसे पहले आप इस एज में कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास न जाइए, कोई दवा मत लीजिए। जाहिर सी बात है ऐसी पोजीशन में आपको दवा खाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ और कि इन सब बातों की जानकारी लेना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपकी ये जानकारी ही करती है। बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है कि नॉलेज कम हो तो प्रॉब्लम भी कम होती है। जितना नॉलेज बढ़ जाता है समस्या भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एक कहावत मैं आपको सुनाता हूँ कि मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न, लेस नॉलेज नो कन्फ्यूज़न। तो इस चीज़ की जानकारी आपको नहीं लेनी है। आपकी जो डिक्शनरी है उसमें से ये जानकारी को आप माइनस कर दीजिए, तो जानकारी लेना बंद कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ आप जरूर कीजिए कि अपनी माँ और अपनी बहन का नाम एक पेपर के ऊपर लिखे और उस पेपर को आप अपने तकिए के नीचे रख दे और उसके ऊपर ही सोए। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप अकेला रहना छोड़ दीजिए, आपकी समस्या का और कोई इलाज नहीं है। जो लोग आपके दोस्त हैं जो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, जानकारी लेते हैं, इस तरह के वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले तो उनसे दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। वो आपका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। एक बार फिर मैं आपको कह देता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, बुध आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर है, अष्टम स्थान भी आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर है, अष्टम पति जो आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है, तो देर सवेर कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसका इलाज संभव है। लेकिन फिलहाल आप अभी इसका उपाय करने की मत सोचिए। एक चीज़ और कि मैंने जो योग बताए उनमें से कोई भी योग आपके जन्म कुंडली में नहीं बन रहे फिर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम है, तो भी आपको टेंशन लेने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी जिन लोगों की उम्र हो गई, जिन लोगों की उम्र इतनी हो गई कि अभी उनको संतान प्राप्ति करने की ज़रूरत है, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली में बुध को ठीक कीजिए। बुध ठीक होने से शुक्र भी अपने आप ठीक हो जाता है, राहु भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले कि बुध को कैसे ठीक करें, तो बुध को ठीक करने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। बुध के बीज मंत्र होते हैं उनका आपको जप करना है, ये चीज़ आपको करनी है। और हमेशा सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ये चीज़ आप शुरू कर दीजिए। रात को सोने से पहले बिना पैर धोए आपको नहीं सोना चाहिए, रात को देर तक जागना भी आपको बंद करना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा लोग तो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही क्रिएट करते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती लेकिन वो खुद ही क्रिएट करते हैं। तो आप भी अगर प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए और इन सब चीज़ों पर पैसे बर्बाद करना भी बंद कर दीजिए। अभी आपका टाइम है पढ़ाई करना, पढ़ के आपको एक अच्छा करियर बनाना, तो आपको सबसे पहले वो करना चाहिए।